कोई वन नहीं, वन और थ्री यहां पे है, किसी का है वन, इसमें दिया है थ्री, इसमें दिया है वन, यहां पी और यहां पे ना क्या था जी बीता क्या पे जी। तो यहां पे देखते थे क्या हो सकता है, किस दिशा में और कितनी दूर पहुंच जाती है, मतलब एक महिला जो किसी कहीं पे जा रही है तो बताना कि किस दिशा में और कितनी दूर पहुंच जाती है। इसे बनाने का दो दो मेथड है ना, एक देखते थे यहाँ पे नेसम गिरी से N E S W, इसमें जो उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर जाती है, दक्षिण दिशा में कितना 6 किलोमीटर जाती है, तब पूरा दिशा में 8 किलोमीटर चल जाती है। तो इस प्रकार वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो जब भी ऐसा आता है तो यहाँ पे लिख कर विपरीत वाले दूरी को आपस में एक दूसरे से घटाते हैं, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, यहां पे लिख देंगे 6 कहां पे, जहां पे ज्यादा रहता वहां पे। अब यहां पे इसका विपरीत वाला है नहीं तो मैं छोड़ देंगे। अब दूरी जो है दो दो दिशाओं में बचा है, यहां भी बचा है यहां भी बचा है, दोनों पास वाला है, इसका मतलब वो महिला जो है कोने में जा रही है, वो किसी टीम के कोने में जा रही है ऐसे, ठीक है कोना में जा रही है। तो जब भी हम कोना वाला निकालते हैं तो उसके लिए दूरी के लिए जो है कर्ण निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है कर्ण। तो कर्ण के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, इसमें से कोई हमारा लंब हो जाएगा कोई आधार हो जाएगा, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर ये 36 होता है क्या, ये 36 प्लस 64 दैट इज 100 हो जाएगा, और 100 का मतलब 25 नहीं 50 जो फॉर्मूला है कितना रहा 10 10 क्या मीटर किलोमीटर किलोमीटर उसके बाद दिशा भी पूछ रहा है। तो जिन दो दिशाओं में दूरी बचा हुआ है उसी को यहाँ पे कोना वाला लिख देते, इसका मतलब यहाँ पे दिशा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा। तो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व मैचिंग कर रहा है क्या इसमें, हाँ। मैचिंग तो कर रहा है, हो जाएगा सही यहाँ पर, कहाँ पे गलती हुआ था अच्छा ये उस मिनट से अच्छा ऐसे नहीं, महिला जो उत्तर दिशा में चली जाती है 12 किलोमीटर, यहां से दक्षिण दिशा में, दक्षिण मतलब यहां पर नीचे है क्या, यहां से दक्षिण में जाएगी कितना किलोमीटर 6 किलोमीटर, इसका मतलब 12 का आधा हो जाए क्या, यहां पे 8 यहां पे ये 6 किलोमीटर हो गया 12 और यहां से आगे यहां तक 6 किलोमीटर। अब यहां से पूर्व दिशा में चली जाती है 8 किलोमीटर, ये हो गया 8 किलोमीटर। तो अब ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है, तो 90 डिग्री हो रहा है ये हमारे पास हो जाएगा 8, ये 12 था, 12 में से 6 घटा तो कितना बचेगा यहाँ 6, तो 8 और 6 की सहायता से कितना रहेगा 10, नहीं कैसे बना 10 कैसे आया, अच्छा यहाँ पे ये हमारे पास त्रिभुज है ना, संपूर्ण त्रिभुज है, तो संपूर्ण त्रिभुज में ये वाला पूछना चाह रहा है 90 के सामने वाला, और ये हमारे कर्ण होता है, और कर्ण का लंबाई क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, प्लस 5 यहाँ पे माइनस 2। चलिए अगला सवाल रेडी, समय टर्म मिला या फिर ये मेथड नहीं पता जिसे ये बनता है, नहीं, नहीं।
दो कार जो एक स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, माने यहाँ पे दो कार है एक स्थान से चलना शुरू करते हैं, एक कहाँ जा रही है, उनमें से एक 20 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर दिशा में इधर जा रही है 20 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है, क्या बता दीजिए, पहला जा रहा है 20 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर की ओर, ऊपर जा रहा है, और दूसरा किधर जा रहा है, पूरब दिशा में, एक ऊपर तो एक पूरब, पीछे रफ्तार है 20 और ये कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे चल रहा है। तो वो रहा कि दो घंटे की यात्रा के बाद, दो घंटों की यात्रा के पश्चात जो उन दोनों के बीच में कितना फासला होगा, उनके बीच में कितनी दूरी रहे, तो हम ये देख लेते हैं कि ये एक घंटा में 20 किलोमीटर जाता है, तो दो घंटा में कहां चल जाएगा, 40 किलोमीटर, सच में यहाँ पे ये चल जाएगा, यहां से यहां तक ये 40 किलोमीटर चल जाएगा, और ये दो घंटा कितना चल जाएगा, 15-15-30 किलोमीटर, उससे थोड़ा सा कम रहेगा, है ना, तो यहाँ पे हो गए 30 किलोमीटर। तो वो पूछना चाहते हैं दो घंटे के पश्चात इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस क्या रहेगा, तो क्या ये 90 डिग्री है क्या, समकोण त्रिभुज है क्या, समकोण त्रिभुज में ये दूरी निकाल रहा है, इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज का कर्ण है क्या, कर्ण ना, तो कर्ण हम कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो 40 कितना हो जाएगा, 1600 प्लस 900 कितना हो जाएगा, ये 2500 कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो रहा है वो किलोमीटर में 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, वो समझ में आ गई चीज, इससे पहले ये और नहीं मिला था, नहीं पढ़े नहीं है ना, मतलब आता है, अच्छा पढ़े नहीं मतलब आता है थोड़ा बहुत हर किसी को।